Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erica. So guys, today we will start our part 3 of your chapter number 12, Changing Times. Iske hum aaj next 2 pages complete karenge, that are page number 100 and 101. So jaldi se start karte hain, open your books with page number 100 and also make sure to subscribe the channel. तो देखो, हमने देखा था कि जो चेतन दास जी हैं वो किस तरह से बता रहे हैं कि जो उनकी लाइफ में चेंज आता जा रहा है और उनकी सोसाइटी में रहने का तरीका, उनके घर जो बन रहा है, वो सब कुछ चेंज होता जा रहा है. सो चेतन दास टेल्स दैट पीपल फ्रॉम द बस्ती यूज्ड टू कम टू क्लीन द टॉयलेट्स एंड टेक अवे द वेस्ट. दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस. हमने देखा था, उन्होंने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पिछले पेज पे उन्होंने बताया कि जो टॉयलेट्स हैं वो उनके घर पे नहीं बनाए जाते, वो घर के बैकयार्ड में बनाए जाते हैं या थोड़ी स्पेस के बाद बनाए जाते हैं. और वो बता रहे हैं कि जो लोग टॉयलेट्स क्लीन करने आते हैं उनको घर में एंटर नहीं करने दिया जाता. द पीपल हु यूज टू क्लीन द टॉयलेट डिड नॉट क्लीन दैम डिस्कस. वो पूछ रहे हैं कि जो लोग टॉयलेट्स यूज़ करते हैं वो उनको क्यों नहीं क्लीन करते, बाहर से क्लीन करने क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि इस एक्टिविटी को अच्छा नहीं समझा जाता. द पीपल हु यूज़ द टॉयलेट्स डिड नॉट क्लीन दैम बिकॉज दे थॉट इट इज़ अ डर्टी एंड एन इन्फीरियर टास्क. उनको लगता है कि ये बहुत डर्टी एंड इन्फीरियर टास्क है, छोटा काम है, जो बाहर से कोई स्वीपर वगैरह आएगा और वो ही क्लीन करेगा. ठीक है. सो इज़ देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस, हु क्लीन्स इट. तो आपके घर पर क्या कोई टॉयलेट है और उसको कौन क्लीन करता है. येस देयर इज़ अ टॉयलेट इन अवर हाउस, वी क्लीन इट आवर सेल्व्स. तो हम खुद ही उसको क्लीन करते हैं जब हम घर की सफाई कर रहे होते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज मोर चेंजेस. अब वो बताएंगे कि किस तरह से उनकी लाइफ डेवलप हो रही है. My two sons and a daughter were born in that house. अभी देखो, पिछले पे हमने देखा था कि उनकी मैरिज हो गई है, अभी उनके दो लड़के और एक लड़की है. Time passed, the children completed their studies. 15 year ago, our daughter Simi got married and moved to Palwal. मतलब अब उसकी बेटी की शादी हो गई है जिसका नाम है सिमी, और वो कौन से शहर चली गई है, पालवल. When Raju was to get married, we felt that we should get a house ready for the न्यू ब्राइड. अभी उसको अपने लड़के की शादी करनी है जिसका नेम है राजू. अभी उसको उनको लग रहा है कि अभी राजू की शादी कर लिए करने के लिए तो घर को थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि नई दुल्हन जो राजू की जो वाइफ है वो भी घर पे आएगी. सो बाय देन एवरीवन वाज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स. तो अभी बेक्ड ब्रिक्स कौन सी होती है, दिस वन. पिछली बार हमने देखा था अनबेक्ड ब्रिक्स जो ग्रे कलर की थी, ये बेक्ड ब्रिक्स हैं. ठीक है. वी ऑल्सो यूज दैम फॉर द वॉल्स एंड पुट अ लाइंटन फॉर द रूफ. We used marble chips and cement for a strong and fancy floor. तो आप देख रहे हो कि किस तरह से जो उसका घर है वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जा रहा है और डेवलप्ड होता जा रहा है. अब उन्होंने ये मार्बल चिप्स एंड सीमेंट यूज़ किया. पिछली बार वो काउडंग वगैरह यूज़ कर रहे थे, है ना. वी यूज मार्बल चिप्स एंड सीमेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर. इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट. द किचन वॉज मेड बिगर. अभी पहले तो किचन उनकी लॉन में थी, वो नीचे बैठ के खाना बनाते थे, उनके पास मड चूल्हा था, है ना. बट अब उनकी किचन भी थोड़ी बड़ी हो गई है. राजूस वाइफ डज नॉट यूज द क्ले चूल्हा, शी स्टैंड वाइल कुकिंग द गैस स्टोव. तो वो भी उसके लिए गैस स्टोव लाया गया जिस पे खड़े होके हम खाना बनाते हैं, जो यूजुअली आपके घर पे भी होता होगा, है ना. सो दिस इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो उसकी लाइफ है, टाइम है, वो चेंज होता जा रहा है. नेक्स्ट इज सीइंग न्यू थिंग्स. अभी राजू की तो देखो शादी हो गई, अब उसका एक छोटा बेटा है जो जिसका नाम है मोंटू, वो दिल्ली शिफ्ट हो गया किस लिए, जॉब करने के लिए. नाउ ही स्टेज देयर विद हिज फैमिली. अभी उसकी भी वहाँ पे फैमिली है. सुमन एंड आई स्टे विद मोंटू फॉर सम मंथ्स इन द ईयर एंड विद राजू इन सोना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम. तो देखो, जो राजू था वो सोना वाले हाउस में रह रहा है जो उन्होंने नया घर बना के दिया था, और मोंटू दिल्ली शिफ्ट हो गया. तो वो बता रहा है कि थोड़ा, चेतन दास जी बता रहे हैं कि थोड़ा टाइम तो हम मोंटू के पास रहते हैं दिल्ली में, पर थोड़ा टाइम हम राजू के पास रहते हैं सोना में. ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोना वी गो थ्रू गुरुग्राम. गुरुग्राम एक शहर है जिसको पहले गुड़गांव बोला जाता था, आपने सुना भी होगा, वो दिल्ली और सोना के रास्ते में आता है. सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग्स हैव कम अप देयर. वहाँ बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं. A few years ago, Raju renovated the toilet and the bathroom. He used colored tiles in his bathroom. अभी उसने कलर टाइल्स यूज़ किए हैं. देखो, पहले वो सीमेंट यूज़ कर रहे थे, है ना. Imagine spending so much money for a place to have a bath. और वो सोच रहा है कि सिर्फ नहाने वाली जगह पे एक बाथरूम में इतनी महंगी महंगी टाइल्स लगा दी हैं उसने. I am now 70 years old. अब चेतन दास जी कितने साल के हो गए हैं, 70 years. In all these years, I have seen so many changes, even in my own house. वो कहते हैं मैंने खुद
के घर में बहुत सारे चेंजेस देखे। देखो पहले वो पाकिस्तान से शिफ्ट होकर इंडिया में आए, फिर उनका एक छोटा सा घर था, फिर जब उनकी शादी हुई उन्होंने घर को थोड़ा और बड़ा किया, फिर उनके बड़े बेटे की शादी हुई घर को और डेवलप किया गया, फिर उनका छोटा बेटा दिल्ली आ गया। तो देखो कितने सारे चेंजेस हो गए। आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लीव एंड हाउ देयर हाउस विल बी। अब वो सोच रहे हैं कि मेरा घर इतना चेंज हुआ, मेरे बच्चों का चेंज हुआ, अभी जो उनके पोता पोती या ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे उनका घर कैसा होगा। आई वंडर वट द हाउस आर लाइक इन डेरा गाजी खान टूडे। और जहाँ वो पहले रहते थे, जिस शहर से विलेज से वो पहले आए थे, वो सोच रहे हैं कि वहाँ पर जो मेरा घर था, जो सबसे पहला पुराना घर था, वो कैसा होगा। एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स, वेयर विल दे बी। और वो सोच रहे हैं कि जो मेरे वहाँ पे बचपन के दोस्त थे, जिनको छोड़ के मुझे दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा, सोहना में आना पड़ा, वो अब कहाँ होंगे, कैसे होंगे। मतलब वो उनको याद कर रहे हैं। सो वट मटीरियल हैव बीन यूज इन मेकिंग यूर हाउस। तो आपका घर किस मटीरियल से बना है? तो देखो सबका घर पक्का हाउस होगा, है ना, अच्छा मटीरियल से बना होगा। सो कौन कौन सा मटीरियल यूज हुआ है? सीमेंट, ब्रिक, सैंड, आयरन रोड, वुड एंड टाइल्स। फाइंड आउट द मटीरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज मेड। तो आपका फ्रेंड का घर किस मटीरियल से बना है? देखो यही सारा मटीरियल है जो आजकल यूज होता है घर को बनाने के लिए। तो आप क्या लिखोगे? माई फ्रेंड्स हाउस इज ऑल्सो मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक, सैंड, आयरन रोड, वुड, टाइल। डिफरेंस क्या है आप दोनों के घर में? देखो येस देर इज वन डिफरेंस, दे हैव मार्बल फ्लोरिंग बट अवर हाउस इज मेड ऑफ टाइल्स। देखो जो फ्लोर है वो दो तरीकों से बनता है, एक तो पत्थर लगवा सकते हैं लोग, मतलब मार्बल का फ्लोर बनाते हैं, या टाइल्स का, टाइल्स कलरफुल भी आती हैं, है ना। सो वो बता रही है कि एक ही डिफरेंस है, हमारे घर पे टाइल लगी हुई है, उनके घर पे मार्बल लगा हुआ है। अगर और भी कोई डिफरेंस है तो आप मेंशन कर सकते हो अपने फ्रेंड के हाउस को कंपेयर करके। लास्ट वन इज व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन। तो आपको क्या लगता है कि जो चेतन दास के ग्रैंड चिल्ड्रन है वो कैसे घर में रहेंगे? सो चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन अ हाउस मेड ऑफ स्टील, सीमेंट, कंक्रीट, वुड एक्सेट्रा। देयर हाउस विल हैव मॉडर्न स्ट्रक्चर्स। उनके अंदर बहुत मॉडर्न स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे उनके घर पे एक एलिवेटर हो सकती है ना, लिफ्ट बन सकती है, उनके घर पे रोबोट आ सकते हैं क्लीनिंग करने के लिए, वैक्यूम यूज हो सकता है। तो बहुत एडवांस घर हो जाएगा, है ना। सो हमने देखा कि किस तरह से जो टाइम है उनका वो चेंज होता जा रहा है। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नेक्स्ट टू पेजेस 102 एंड 103। इस क्लास में कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।